रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर और वो भी घर में। तो चल के स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे बोनलेस चिकन 500 ग्राम। अब ले लेते हैं हम चिकन का एक स्लाइस और इसको हम दरमियान से काट लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको दरमियान से काट लूँगी। ये देखें जनाब, हमने जो है इसके स्लाइसेस कर लिए हैं और इसी तरह जो बाकी का चिकन है उसके भी मैं स्लाइस कर लूँगी। और बाकी तमाम जो मेरे पास बोनलेस चिकन था उसके मैंने इसी तरह स्लाइसेस कर लिए हैं। ये स्टीक हैमर, तो स्टीक हैमर जिसके पास नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लहसुन अदरक जिससे मैं कूटती हूँ उसका हैमर। तो उसकी मदद से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। और इसको प्रेस करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि एक तो चिकन इससे बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और इससे इसके मसल जो है वो भी ब्रेक हो जाते हैं और हमारा जो मैरिनेशन है ना वो अंदर तक इसको लग जाते हैं, यानी कि जो भी हम मसाला लगाएंगे तो अंदर तक चिकन को लग जाएगा। तो इसी तरह जो है मैं तमाम स्लाइसेस को इस मेरे हैमर मेरे जो मेरे पास हैमर है उससे मैं इसको प्रेस कर लूँगी। हैमर से बीट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको मैरिनेट करूँगी चिकन को। और मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर। और ये तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स और इसको हम 1 आवर के लिए रख देंगे मैरिनेशन ताकि हमारी अच्छे से हो जाए। हम मेयो सॉस बना लेते हैं। 4 टेबल स्पून मायोनीस और इसमें 1 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी, इसको मैंने ऐड कर दी मस्टर्ड सॉस और 1 टीस्पून मैं चिली सॉस ऐड कर दूंगी। तो ये सब कर लूंगी अच्छे से मिक्स। ये जनाब हमारी मेयो सॉस बिल्कुल रेडी है जी। चिकन को मैरिनेट हुए 1 आवर हो चुका है और अब मैंने एक बाउल में ले लिया ठंडा पानी और साथ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब हम ले लेंगे चिकन का एक स्लाइस और इसको मैदे में अच्छे से डिप करेंगे, ऊपर से नीचे से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जो मैदा है वो अच्छे से इसके साथ लग जाए। बहुत अच्छे से करिएगा इसको प्रेस ताकि इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। अच्छे से कोटिंग करने के बाद मैं इसको डिप कर दूंगी ठंडे पानी के अंदर और इसको डिप करके हम अगेन इसके इसको मैदे के अंदर डिप कर देंगे, यानी कि बहुत अच्छे से हम इसकी कोटिंग कर देंगे कि हर तरफ से मैदा इक्वली इसको लग जाए, बहुत अच्छा कोट हो जाए। अच्छे से चिकन को प्रेस करेंगे जिस तरह हम आटा गूंथते हुए आटे को प्रेस करते हैं, वैसे ही हम चिकन को मैदे में डाल के इसी तरह प्रेस करेंगे। और इसके लिए आप बर्तन भी एक ऐसा लीजिएगा जो थोड़ा गहरा हो, नहीं तो आटा जो है हर तरफ से जो बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको कोट कर लिया है बहुत अच्छे से और इसके ऊपर आप लेयर्स भी देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेते हैं ऑयल में डीप फ्राई, जो कि मैंने पहले से ही ऑयल चूल्हे पे रख चुकी थी और इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। जी चिकन को हम फ्राई करेंगे 3 मिनट ईच साइड, या फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर ब्राउन कलर यानी कि जो इसका पीले का जो कोटिंग का कलर है वो ब्राउन ना हो जाए, तो तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखो जनाब हमारा जो पीले है चिकन पीले वो बिल्कुल माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है और आप देख सकते हैं। और हमने इसको 3 मिनट ईच साइड ही फ्राई किया है तो ये हमारा रेडी है। तो हम इसको निकाल लेते हैं माशाल्लाह
और ये देखिए जरा कितना माशाल्लाह मज़े का और सॉफ्ट और क्रिस्पी बना ना, कि जो इसकी कोटिंग है वो उतनी ही क्रिस्पी है लेकिन अंदर से उतना ही जूसी और सॉफ्ट बना। और आपको मैं ये इसकी क्रिस्पी की आवाज़ भी सुनाने की कोशिश करती हूँ। असेंबल कर लेते हैं, तो असेंबलिंग के लिए मैंने ले लिया बन, और बन में मैं डाल दूँगी मायोनीस, और मायोनीस को मैं नाइफ की मदद से अच्छे से जो है स्प्रेड कर दूँगी, और इसके ऊपर रख दूँगी एक अदद सलाद का पत्ता, और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना क्रिस्पी फिंगर चिकन का स्लाइस, और इसके ऊपर मैं जो हमने सॉस बनाई थी वो डाल दूँगी। तो इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे कुछ केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करी, मैं सिर्फ सॉस से ही गुजारा करूँगी क्योंकि मुझे ये इसी में ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और ये देखिए जनाब, तैयार है हमारे मज़ेदार से घर के बने हुए जिंगर बर्गर। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत ही आसान है और घर में आप आराम से बना के इंजॉय करें, और बाज़ार बस सब बिल्कुल नहीं जाना बर्गर खाने, तो घर में बनाएं और अपनी फैमिली को बना के खिलाएं। जो उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, अनटिल देन अस्सलाम वालेकुम। और आप चाहें तो इसमें चीज़ का स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ स्लाइसेस वाले बनाए थे और कुछ सिंपल।